ऑल राइट, सो है गाइस, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफिस होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, और खास क्यों होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं R5M के अपडेटेड वर्जन के बारे में। तो R5M में क्या अपडेट हुआ है, और साथ ही हम बात करेंगे अपडेटेड प्राइस के बारे में, फाइनेंस ऑफर के बारे में, और स्पेशल ऑफर के बारे में। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग कंटेंट्स देखने को मिलते हैं डेली बेसिस पर। मैं वहाँ पर रील्स अपलोड करते रहता हूँ, तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूजर नेम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और अब चलते हैं R15M अपडेटेड वर्जन आप लोगों को दिखाते हैं, और क्या अपडेट हुए हैं वो सब आपको बताते हैं। तो चलो, सो गाइज, ये है न्यू यामाहा R15M अपग्रेडेड वर्जन। तो इसमें मेनली दो अपग्रेड हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बट अगर आप लोग देखेंगे तो बाइक बिल्कुल पहले जैसे ही देखने में लगती है, कोई भी अपग्रेड नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को एक अपग्रेड सामने नज़र आ जाएगा, वो है इंडिकेटर्स। तो भाई, अब कंपनी फिटेड LED इंडिकेटर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं यामाहा R15M अपग्रेडेड वर्जन में, जो कि पहले आप लोगों को हैलोजन देखने को मिलते थे। अगर हम ओवरऑल लुक की बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन इंडिकेटर्स यहाँ पर चेंज है। तो अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें थोड़ी सी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को R15M की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और कलर कॉम्बिनेशन इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पर जो आप लोगों को LED DRS देखने को मिलते हैं, वो नाइट के टाइम में तो भाई बहुत ही बढ़िया देखने में लगते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर वो प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी रोशनी देती है आप लोगों को। और इसका जो हाई बीम लेंथ है वो काफ़ी अच्छा है, जो पहले प्रॉब्लम आती थी V3 में, वो अब इसमें नहीं आती है। तो अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ 100x80 का 17 इंचेस का आप लोगों को जैपर टायर देखने को मिलता है। अगर हम डिस्क प्लेट की बात करें तो 282mm डिस्क प्लेट देखने को मिलती है आप लोगों को, साथ में ABS का भी आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है। अपसाइड डाउन आप लोगों को फॉक्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम साइड में आते हैं तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों को अगेन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ब्लैक और सिल्वर, फिर अगेन आप लोगों को मैट में ब्लैक देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। साथ में यहाँ पर कुछ स्टिकर वर्क है, R15M की ब्रांडिंग हो रखी है, यहाँ पर क्विक शिफ्टर आप लोगों को मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यामाहा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है आप लोगों को। अगर हम साइलेंसर मफलर की बात करें तो वो आप लोगों को सिल्वर टच में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है ब्लैक कलर के साइलेंसर पे, और आप लोगों को ये सिल्वर कलर का जो टच है कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर साइलेंसर कैप भी आप लोगों को सिल्वर कलर में देखने को मिलती है, तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है इस बाइक में। और अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल बिल्कुल सेम पहले जैसी ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ सिवाय LED इंडिकेटर्स के, जो कि काफ़ी अब देखने में अच्छे लग रहे हैं, और रोशनी भी अब काफ़ी अच्छी देंगे। और यहाँ पर आप लोगों को मेंशन है VVA वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर टैंक पे आप लोगों को यहाँ पर यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्टिविटी का आप लोगों को स्टिकर देखने को मिलता है, यानी कि आप अपने फ़ोन को अपने बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं R15M का जो ये लोगो है वो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है, और ये अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करते हैं इस बाइक को। और अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्विक शिफ्टर का सपोर्ट मिलता है, साथ में आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का भी सपोर्ट मिलता है। अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप लोगों को मिलता है 155cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve SOSC BS6 इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की एट 10,000 RPM और 14.2 Nm टॉर्क एट 7,500 RPM। अगर हम रियर टायर साइज़ की बात करें तो 140x70 का 17 इंचेस का आप लोगों को MRF रिव्स रेडियल टायर देखने को मिलते हैं। अगर हम रियर डिस्क साइज़ की बात करें तो 220mm डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और आप लोगों को ABS का सपोर्ट भी साथ में मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा आप लोगों को स्क्रीन मिलता है, और साथ में यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर आप स्टॉप और रन और स्टार्ट का आप लोगों को स्विच मिलता है, और साथ में यहाँ पर हज़ार्ड के लिए आप लोगों को ये स्विच मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को
यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं वो उसको ऑपरेट करने के लिए ये तीन बटन्स दिए गए हैं, तो आप जितने भी फंक्शंस हैं इसके अंदर वो इससे ऑपरेट होंगे। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स हैं, लेफ़्ट राइट टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर आप लोगों को हॉर्न मिल जाता है, और अगर हम इधर आएँ तो यहाँ पर आप लोगों को पास स्विच मिलता है। गाइज अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइट फीचर की, तो गाइज वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो गाइज इसमें आप लोगों को कलरफुल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जो कि भाई वाकई गजब है। पहले आप लोगों को यामाहा की फ्लैगशिप बाइक्स में जैसे कि R6 या फिर R1 जैसी बाइक्स में आप लोगों को देखने को मिलता था कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता था। बट अब R15M के अंदर भी आप लोगों को कलरफुल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जो कि लिटरली गजब की बात है। अब इसमें जो फील आ रहा है ना भाई, बिल्कुल ही सुपर बाइक वाला फील आ रहा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये था इस बाइक का एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू, और जो अपडेट्स हुए हैं, जो अपग्रेड्स हुए हैं, वो मैं आप लोगों को बता दिया। तो अब इसके ऑन रोड प्राइस की बात कर लेते हैं। सो इस बाइक का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 1,93,700 रुपीज़, और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें 2,24,517 रुपीज़ आप लोगों को ऑन रोड पड़ेगी। और अगर हम इसके ऑफ़र्स की बात करें तो फाइनेंस ऑफ़र्स, आप लोग अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो इस बाइक को, तो आप लोग 12 मंथ से 48 मंथ्स तक की EMI करा सकते हो। तो और अगर मैं एडिशनल ऑफ़र के बारे में बताऊं तो भाई वो है चैनल को सब्सक्राइब करने पे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ना उनको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो। और अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो तो मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो कॉन्टैक्ट करो शोरूम को, और पिन कमेंट में भी आप लोगों को यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा, तो आप कांटेक्ट करो। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को फ्लैट 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, तो जल्दी से जाओ कांटेक्ट करो शोरूम को और अपनी R15M बुक करो और लेकर जाओ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ अलग कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूज़र नेम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और आप मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।